नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जम स्टोरी। दोस्तों, हमारी जो वोकैब की सीरीज है इसकी ये 9वीं वीडियो है और आप 9वीं वीडियो पूरी करने के बाद आपके हो जाएंगे पूरे 180 वोकैब याद। तो आज के 20 वोकैब ये है विट्रिक्स, हमसे जुड़े रहिए और 2000 वोकैब याद कीजिए। चलिए वोकैब को देखते हैं। सबसे पहले हमारा वोकैब है, वर्ड है पीवीस। पीवीस होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा होता है पीवीस का मतलब। अब इसको कैसे याद रखेंगे? शिव जी ने क्या पिया था? विष। क्या पिया शिव जी ने? विष। शिव जी विष पीने के बाद, आपको पता है एक बार कोई भी उन शिव जी के पास नहीं जा रहे थे। जब शिव जी ने विष पी लिया था ना, सारा ब्रह्मांड का जिससे खत्म हो सकता था, तो वो तांडव करने लग गए थे उसके बाद। तो कोई भी उनके पास नहीं जा रहे थे, है ना। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, गुस्से हो गए थे, किसी का भी संहार कर सकते थे, मार सकते थे किसी को, है ना। तो पी विष, विष पी के शिव जी क्या हो गए थे? चिड़चिड़े हो गए थे, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रिक से हम याद करेंगे, हमसे जुड़े रहिए, जुड़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी थोड़ी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेम्पिस्टियस, तूफानी। इसको कैसे याद करेंगे? टेम्पिस्टियस काफी बड़ा वर्ड हो गया ना। देखिए टेम्प से टेम्परेचर, ईस्ट से जैसे होती है ना, वो होती है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट। टेम्परेचर ईस्ट का बहुत ज्यादा तूफानी हो रहा है, सूरज नहीं निकल रहा। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है ना पूर्व से सूरज। और सूरज क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि टेम्पिस्टियस टेम्परेचर है वो ईस्ट का, ईस्ट यानी कि पूर्व का, पूर्व का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा तूफानी हो रहा है, इसी वजह से सूर्य देवता भी आज देख नहीं रहे, निकल नहीं रहे। समझ गया होंगे, याद हो गया होगा। शिव जी ने क्या पी लिया था? विष। इसलिए क्या हो गए थे? वो चिड़चिड़े हो गए थे। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब तनावग्रस्त। ओवर स्ट्रॉन्ग का मतलब, देखिए कई इंसान आपने देखा होगा कि कुछ होता है ना कि कोई हादसा हो जाए किसी के साथ या कुछ भी हो जाए, तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते वो, मतलब दिखाते नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि भाई रोना नहीं। जहाँ पे जैसे होता है नहीं, आदमी होता है, आदमी का बेसिकली बोलते हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपने भावनाओं को, इमोशंस को दिखाते नहीं है, रोते नहीं, है ना। तो क्योंकि वो स्ट्रांग बनने के चक्कर में रहते हैं, ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, है ना। तो देखिए ओवर स्ट्रांग, जब इंसान अपने आप को ओवर स्ट्रांग बनाते हैं ना, ओवर स्ट्रांग, ओवर मतलब ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रांग दिखाता है, बढ़ाता है, जैसे इमोशन बाहर नहीं निकलता, तो उसके तनाव रहने लग जाता है हमेशा, उसका बीपी हाई रहने लग जाता है ना, तनावग्रस्त। तनाव का बीपी हाई का होता है जब तनाव रहता है। तो ओवर स्ट्रांग, अगर ओवर स्ट्रांग अपने आप को रखोगे, इमोशन बाहर नहीं निकालोगे, तो आप कभी बीपी हाई रहने लग जाएगा, आप हो जाओगे तनावग्रस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं होली पवित्र। ये तो बहुत ज्यादा होगा अपने धार्मिक स्थानों के लिए इनका यूज करते हैं ना, होली टेम्पल, है ना, होली होली फेस्टिवल कोई भी, है ना, होली फेस्टिवल, दिवाली, है ना, कुछ भी पवित्र त्यौहार दिवाली। तो होली का मतलब पवित्रता ही होता है ना, होली, ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमारा होली जो त्यौहार है वो बहुत ही पवित्र है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रसेप्ट, नीति वचन। देखिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या कोई अदर स्टेट एग्जाम हो, अब उसका जो भी एग्जाम कंडक्ट एक संस्था करवाती है, है ना, बैंकिंग वालों की अलग संस्था है, एसएससी वालों की अलग संस्था है, यूपीएससी वालों की अलग संस्था है, ठीक है। तो जो कंडक्ट कराती है उनको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि दो पेपर है आपके, उनमें से एक है प्री का, है ना। तो उनको बोला है कि जो प्री है ना, प्री का एग्जाम है वो सेप्टेम्बर में ही लेना पड़ेगा उनको। ये नीति वचन दे रखे हैं उनको, संस्थाओं को, सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आपका हर एग्जाम कब होगा? प्री होगा सेप्टेम्बर को, ये नीति वचन है उनके लिए। प्री का कब होगा? सेप्टेम्बर को। समझ गए होंगे, होली द्वार हमारा कैसा है? पवित्र है। ओवर स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में आदमी का बीपी हाई रहने लग जाता है, वो तनावग्रस्त रहने लग जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टुडे चापलूस। टुडे चापलूस, देखिए ये तो बेसिकली बात है, जब आप किसी नौकरी में जाओगे, है ना, तो भी आपको दिख जाएगा, या कहीं पे भी आपने देखा होगा क्लासेस के अंदर भी, कुछ बच्चे जो टीचर्स होते थे उनके चापलूस बन के रहते थे कि सर ये, सर वो, सर ये, सर काम नहीं किया, सर फलाना दिमगाना, है ना, इस तरीके से करके हर जगह आज के समाज में चापलूस रहते हैं। टुडे मतलब चापलूस, यानी कि आजकल टुडे जो जमाना है वो चापलूसों का ही जमाना है। चापलूस होते हैं वो कंपनियों में भी, बिना मेहनत के ही आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जो मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत पे ही रह जाते हैं, पर नौकरी मिलती है उसमें सिर्फ आपकी ही मेहनत लगती है। नौकरी लेना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए अगर आप कुछ भी करना शुरू करते हैं, है ना, बिजनेस मान लो स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो आपको कई लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ग्राहक पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, पीछे से जो माल आ रहा है उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो आपने एक दो बंदे लगाए हैं उन पे भी, कि सब मिलके कैसा काम करते हैं, है ना, तब जाके आपका बिजनेस चल पाएगा। जबकि नौकरी एक आपका खुद का है, कोई भी रिलेशन चलाना है तो भी,
आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों दूसरों पे डिपेंड है भाई, आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो पर सामने वाला आपके साथ में कैसा कर रहा है ना। जबकि नौकरी लेना एक सिर्फ ऐसा काम है, तैयारी का काम है, जिसमें आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक कमरा चाहिए, कुछ किताबें चाहिए और सही डायरेक्शन चाहिए। आप अपना परफेक्ट तरीके से अपनी मेहनत करके नौकरी ले सकते हो। तो अपने आप पे मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, ठीक है ना। तो टुडे आपको चापलूस बन के नहीं रहना, आपको मेहनत करनी है। उसके बाद होता है देखिए मिफिड। मिफिड होता है गुस्सा। देखिए आप तो भाई साहब माफी का है, तो माफी से रिलेटेड है भाई साहब। माफी का तो हिसाब किताब है, पर माफी का हिसाब किताब ऐसा है कि इसके अंदर ये माफी जो हर किसी को दे दे, माफी जो हर किसी को दे दे, उसके ऊपर तो गलत ही है, गुस्सा ही आएगा। जब क्योंकि भैया माफी हर किसी को कैसे दे सकता है कोई, है ना, नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग माफी के लायक नहीं होते। तो आपने किसी को बोला कि यार इनकी गलती ऐसी है कि माफी के लायक नहीं है, फिर भी उसको वो माफी चाहता है, तो गुस्सा ही आएगा कि तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तेरी गलती उस माफी के लायक थी नहीं। तो मिफिड का मतलब गुस्सा, तेरी गलती इस माफी के लायक नहीं है, हमें गुस्सा आ रहा है, वो हम नहीं देंगे, ठीक है। अगला पढ़ देखते हैं, एनेस्थेटिक, सुन करने की दवाई। देखिए जब कोई भी ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन होता है, तो मान लो किसी का पेट का ऑपरेशन होता है, तो पेट में बोलते हैं इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने का, है ना। किसी के कमर पे लगता है कई बार, किसी के पैर में समस्या होती है, किसी के हाथ पे भी, तो जगह जगह अपने हिसाब से डॉक्टर लगाते हैं। उनको जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, किसी का एनेस्थीसिया का। तो वो इंजेक्शन क्या करता है, वो इंसान को उस जगह से सुन कर देता है, बाकी उसका सारा शरीर रहता है पर उसको यहाँ पे दर्द नहीं होता, कुछ भी हो चाहिए, है ना। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। खैर मेरे लगा हुआ है एनेस्थेटिक, सुन करने की दवाई, समझ गए होंगे एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडिरेंट, समर्थक, ठीक है। इसको देखिए, जो लोग आपके साथ आधी रात में भी, है ना, आधी रेंट या आधा रेंट शेयर करने को तैयार हो जाए, मतलब जो आपके साथ रहना लग जाए, कह रहे कि भाई साहब मैं तो आपके साथ रहूंगा, आधा रेंट भी मैं देने को तैयार हूं, वो आपका समर्थक है। या फिर जो आधी रात को भी आपके साथ कहीं भी चलने को साथ हो, वो आपका समर्थक है, वो आपका पक्का दोस्त है, उसे ना छोड़े, ठीक है ना। आधी रेंट, आधा रेंट दे दे, वो भी समर्थक है। आधी रात को भी जो चलने को तैयार हो कहीं पे भी, वो भी आपका अच्छा समर्थक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टमेसी। देखिए कांता मौसी, हमारी कांता मौसी है वो क्या कर रही है, हट है, बहुत जिद्दी है। कांता मौसी कैसी है, जिद्दी है। उसने हमें बुला लिया कि भाई आपको आना है तो आना ही है, उनके कोई फंक्शन है तो आपको आना है तो आना ही है, इतनी जिद कर ली और उस वजह से हमें जाना पड़ा। कांटू मौसी, है ना, कॉन्टमेसी, कॉन्टमेसी, कांता मौसी हमारी बहुत ही जिद्दी है। चलिए एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमने पढ़ा था शिव जी ने विष पी लिया, क्या हो गए वो चिड़चिड़े हो गए। सूरज क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि टेम्परेचर है वो ईस्ट का बहुत ज्यादा तूफानी है, इसलिए सूर्य देवता दिख नहीं रहे हैं। ओवर स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में, इमोशंस बाहर ना निकालने के चक्कर में इंसान अपना बीपी हाई करवा लेता है, वो हमेशा तनाव में रहने लग जाता है। होली हमारा पवित्र त्योहार है। सभी संस्थाएं प्री का एग्जाम कब लेगी, सितंबर में लेगी, ये उनका नीति वचन है, एक करना ही पड़ेगा उनको। आजकल चापलूस लोग, टुडे चापलूस लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हर जगह पे चापलूस लोग हो रहे हैं। और माफी ने कोई मांग रहा है इतनी बड़ी गलती करके, तो भाई साहब हमें गुस्सा आ रहा है, हम आपको माफी नहीं दे पाएंगे, आपकी गलती बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एनेस्थेटिस का, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है ना, सुई लगती है, जिससे इंसान का जो ऑपरेशन करते हैं, ये मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, तो काम आती है ना, इंसान को उस जगह पे दर्द नहीं होता। आधी रेंट, आधा रेंट जो देने को तैयार हो या आधी रात को जो चलने को तैयार हो, वो आपका पक्का समर्थक है। और हमारी कांता मौसी को बहुत ही ज्यादा अठी है, जिद्दी है, है ना। ये 10 वर्ड याद हो गए होंगे, अब इन नए 10 वर्डों की तरफ चलते हैं, इनको याद करते हैं, है ना। मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, हम आपके साथ कर रहे हैं, 10 डेली 20 वो कैब लेके आ रहे हैं डेली, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं, आपके लिए डेली रूटीन से 20 लेके आए हम। और लगातार देखिए आप, सिर्फ आपने 20-25 मिनट की वीडियो देख ली तो धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, रूटीन भी बढ़ जाएगा और आपके 2000 वर्ड याद भी हो जाएंगे। इंग्लिश अगर करनी है तो वो कैब को करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब यहाँ से देखिए जनरेटर, चौकीदार। जनरेटर को हम पढ़ेंगे जनरेटर। जनरेटर आजकल आपको पता है पहले आते थे छोटे, जिनको हाथ से स्टार्ट करना पड़ता था ना, खटखट खटखट करके, वो ज्यादा महंगे भी नहीं होते थे। पर आजकल टावर पे देख लो या कहीं और पे भी देख लो, जनरेटर बहुत ही बड़े बड़े आने लग गए, है ना, कई लाखों को जनरेटर आने लग गए। अब डर ये रहता है कि उनको कोई चुरा ना ले, तो चुरा ना ले, इसलिए जनरेटर
कब के लिए हमें क्या बैठाना पड़ रहा है, हमें चौकीदार बैठाना पड़ रहा है कि उनको कोई चुरा ना ले, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, डेली एंड मौज मस्ती। दिल्ली में आके कोई भी बच्चा दिल्ली के अंदर आता है नया, दिल्ली दिल्ली है ना, दिल्ली 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 के अंदर आता है तो क्या करता है, मौज मस्ती करता है। एंड्स को आप याद रखिए, बाद में हम लास्ट कुछ समझाएंगे आपको। तो दिल्ली एंड्स, दिल्ली में आके कोई क्या करता है, मौज मस्ती। एंड्स नाम का जो बच्चा है, एंड्स नाम का, वो दिल्ली में आके क्या करता है, मौज मस्ती करता है, ये याद रखिए। एंड्स नाम का कोई बच्चा है वो दिल्ली के अंदर मौज मस्ती करता है। चलिए आगे बताएंगे कुछ इसके बारे में। अगला देखते हैं लिटेनी, सूची। देखिए आपने कोई भी ऑफिस खोल लिया, आप वहां पे अच्छे खासे ऑफिसर बन गए, पर आपका जो एम्प्लॉय स्टाफ है वो काम नहीं करता। आपका हो सकता है नहीं करे, हो सकता है करे, पर आप मान के चलिए आपका जो स्टाफ है काम नहीं कर रहा, कुछ लोग नहीं कर रहे, तो आप क्या कहते हो कि अपने जो नीचे है ना उसको क्या बोलते हो कि भाई साहब एक जो लेट आते हैं ना, अगर कोई भी लेट आता है, लेट लिट लेट और एनी मतलब कोई, अगर कोई भी लेट आता है तो आप उसकी सूची बनाइए और सूची हमें दे दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको सस्पेंड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेट एनी, अगर कोई लेट लेट आता है एनी कोई भी, तो उसकी सूची आप हमें दीजिए, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे तो काम ढंग से चल नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 14वां, स्टी आउट, बलवान मोटा। ठीक है, एक एसटी नाम का लड़का है ना, जैसे स्टीफन बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, एसटी नाम का लड़का है, अंग्रेज को लेके चलो, अंग्रेज होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, उनके नाम भी ऐसे होते हैं स्टीफन फलाना दिमगाना, इस तरीके से एसटी एसटी पेस्टी कुछ करके होते हैं ना, उसको सब लोग जहाँ पे जा रहे हैं आउट कर रहे, भाई साहब हम नहीं रखेंगे आपको, हम नहीं रखेंगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा मोटा है। अब सबको ये लगता है कि भाई यार हमारे पीजी पे रहेगा तो ये खाएगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ना, हमें परेशान हम ही करेगा, तो एसटी एसटी को कोई भी नहीं रखता, सब निकाल रहे एसटी को कि चल भाई एसटी, चल भाई एसटी, चल भाई एसटी बाहर हो जा, एसटी बाहर हो जा तू भाई, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा मोटा है, पहले वजन कम कर। तो एसटी आउट, एसटी को आउट सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा है। लेट, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसकी सूची आपको हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिथर, घबराहट। ठीक है ना, देखिए किसी की भी अगर होती है क्या होती है, डेथ, डेथ होती है ना, तो इंसान एक बार घबराते हैं तो डेथ हर, डेथ होने के बाद उस डेथ डी आई टी एस डेथ हर, उसकी हर, उसकी डेथ होने के बाद वो घबराहट आ जाती है, वो जगह समझ रहे होंगे, डेथ उसकी होगी उसके बाद घबराहट हो रही है कि उसकी डेथ हो गई, डेथ हर, डेथ होने के बाद घबराहट होती है, समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला देखिए वाई, कंपीट करना। ठीक है ना, वाई कंपीट करना, देखिए आजकल लड़ाई किसकी हो रही है, आज की जो जनरेशन चल रही है नई, उसके अंदर लड़ाई किसकी हो रही है, एक तो हो रही है एक्स की, एक्स की, समझदार तो आप होंगे समझ रहे होंगे है ना, एक तो हो गया एक्स की, और एक हो रही है प्रेजेंट की, उसका हम वाई लेके चलते हैं, एक्स और वाई की लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि एक्स को आपने बुला देना है, ठीक है, और वाई से आपने कंपीट करना है हर चीज में, है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है, समझ रहे हो ना, तो वाई से हमने क्या करना है, वी आई, वाई से हमने क्या करना है, कंपीट करना है, उस पर ध्यान देना है ना, वाई से क्या करना है, कंपीट करना है, समझ गए होंगे, मेरे को पता है समझ तो आप गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोल लूट, शॉर्टकट करना। देखिए कल हम क्या खेल रहे थे, कोल कोल, आपको पता है एक बात, कर्नल को कर्नल लिखते हैं ना, कल सीवल, कर्नल से कर सीवल से कर्नल मान लेते हैं, कर्नल है ना, कर्नल बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, तो कर्नल लूडो खेलते टाइम क्या कर लेता है, शॉर्टकट कर लेता है, कर्नल साहब लूडो खेलते टाइम क्या कर देता है, शॉर्टकट। देखिए कर्नल साहब फौजी आदमी है, फौजी आदमी बहुत तेज होते हैं, उनको तो सारी पता होती है, और फौज में ऑफिसर आदमी है कर्नल साहब, तो वो कर्नल साहब जब लूडो खेलते हैं तो हम उनके साथ नहीं खेलते, कारण वो अपनी शॉर्टकट बैठा लेते हैं पहले, और उनसे हर बार जीत जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ लूडो नहीं खेलते हैं, समझ रहे होंगे। कर्नल साहब लूडो खेलते हैं तो क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट। लैंकी, लंबा पतला, मेरे ख्याल से इसमें कोई होगा भी नहीं, लैंकी लंबा और हो पतला हो, उसको क्या बोलते हैं, लैंकी, लंबे पतले लड़का हो लड़की हो उसको क्या बोलते हैं, लंबा पतला, लैंकी है ना। चलिए नया अगला देखते हैं, रिस्वेट, दोबारा शुरू करना, इसका कुछ याद करने का कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए री का मतलब क्या हो गया, दोबारा, और शुरू का शुरू हो गया दोबारा शुरू, री शुरू, री का मतलब दोबारा, शुरू का शुरू, रिस्वेट दोबारा शुरू करना, हो गया ना, कितना आसान है ना, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना थोड़ा सा है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे, रिस्वेट री द्वारा सुरे शुरू शुरू रिसोरेट द्वारा शुरू करना। लास्ट वाला देखते हैं 20 से 20 आपका पिनेंस, प्रायश्चित करना। आ एक बात देखिए यहाँ पे एंसर है, एंस नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, प्रायश्चित,
यहाँ पे एंस नाम का लड़का क्या कर रहा था, मौज मस्ती। पहले इसने ये आया लड़का दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली के अंदर एंस था, वो दिल्ली के अंदर आया, एंस है दिल्ली में, उसने की मौज मस्ती। अब मौज मस्ती में तो जीवन खराब हो ही गया उसका। अब उसने क्या किया यार, बहुत ज्यादा दिन मैंने खराब कर लिए, अब मैं क्या उठाता हूँ, पेन उठाता हूँ, और पेन उठा के जो मैंने दिल्ली के अंदर मौज मस्ती की थी उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। पेनेंस का मतलब हो गया प्रायश्चित करना। अब एन एन से वो पेन लेके क्या कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है दिल्ली के अंदर जो पहले मौज मस्ती की थी उसका। समझ गए होंगे ना इन दोनों का कनेक्शन, ए एन सी ही ए एन सी, एन एन सी, दिल्ली दिल्ली के अंदर एंस आया तो मौज मस्ती की स्टार्टिंग में, और फिर उसने पेन उठा लिया एंस ने, तो फिर वो प्रायश्चित कर रहा है जो उसने मौज मस्ती की थी, कह रहा है सिलेक्शन लूंगा। एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। जनरेटर का चौकीदार बैठा दिया, दिल्ली एंस का आपने बता दिया मौज मस्ती, लेट आने वालों की हमें सूची दी जाए, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। एसटी आउट, एसटी को सब आउट कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा मोटा है। डेथ होने के बाद तो घबरावट होती है, और वाई से ही कम्पीट करना है, समझ गए होंगे। कर्नल साहब लूडो खेलते समय 60-60 कर लेते हैं और जीत जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ लूडो नहीं खेलते हैं। ठीक है भाई। लैंकी का मतलब लंबा पतला, जो लंबा हो पतला हो है ना, इंसान की बात है ये। रिसुरेक्ट दोबारा शुरू, दोबारा इसके अंदर खुद रिसुरेक्ट दोबारा शुरू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पेन एंस, जो एंस है अब वो पेन लेके क्या कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। इस तरीके से करके आपके लिए 20 वर्ड हो जाते हैं। 9वीं वीडियो है, लगातार 9वें दिन ये वीडियो आई है, धीरे धीरे करके ऐसे ही आपकी वीडियो आती रहेगी है ना। 10% 10 वीडियो डालने के बाद हमारा 10% काम हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 वीडियो डालनी है। तो हमसे जुड़े रहिए, डेली मेहनत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जल्दी से मेहनत करें और फिर नौकरी पा लें।